स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो स्टोरी है तेनाली रामा की एकदम इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है दोस्तों, उसी बारे में बात करेंगे। कुछ प्रेडिक्शंस हमने पिछले एपिसोड में अपने करी थी जो काफ़ी हद तक सही थी। अब नया क्या निकल के आ रहा है, जैसा हमने थंबनेल पे बताया कि रामा का मास्टर प्लान क्या है, वही बताने जा रहा हूँ बगैर किसी देरी के। तो आप भी सुनिए कि क्या है रामा का मास्टर प्लान, जिससे विजयनगर भी बच जाएगा, आम्रपाली की शादी भी नहीं होगी और रामा को शास्त्रार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल तय जगह पर सभी लोग इकट्ठा होंगे मुकाबले के लिए, लेकिन रामा वहाँ पर बोलेगा कि मिर्ज़ा ने जो है या यहाँ के लिए कैकाला ने जो है शादी करने का पूरा मन बना लिया है और मिर्ज़ा को आम्रपाली के लिए चुन लिया है। ठीक है, उसी तरह से जो मिर्ज़ा पे है कसम वादे या जो भी है किसी चीज़ को साक्षी मानकर उनसे वादा ले लिया जाएगा कि वो विजयनगर के दामाद हैं और विजयनगर की रक्षा करना उनका जो है कर्तव्य रहेगा। अब क्योंकि जो मिर्ज़ा है उन्होंने कसम खा ली है और काफ़ी सारा मतलब शादी नहीं करेगा, सिर्फ वचन लेगा कि मैं शादी करूंगा और विजयनगर की रक्षा भी करूंगा, उसी वचन का फ़ायदा उठाकर रामा जो है विजयनगर को बचा लेगा, मिर्ज़ा को फंसा लेगा और मिर्ज़ा जो है रामा की बुद्धि से परास्त हो जाएगा एक तरह से यूँ कह लीजिए। और कैकाला का जो मास्टर प्लान था वो अब रामा के मास्टर प्लान में दबता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर रामा विजयनगर को बचा लेगा, आम्रपाली को भी बचा लेगा और स्वयं मिर्ज़ा के हाथों जो है वो वापस भेज देगा मुग़लों की उस सेना को जो आक्रमण करने आई है विजयनगर पर। समझिए आप बात को किस तरह से है, यानी कि रामा मिर्ज़ा और कैकाला को उन्हीं के जाल में उलझाकर विजयनगर को बचा लेगा। यह है स्टोरी का जो है मोटा मोटा सार। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो करिए। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पर जो है राशिफल भी देखने को या सुनने को अपना मिलता रहेगा, उसके लिए भी प्लीज़ अपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।